टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद अलग अलग नेता उनके परिवार को बधाई देने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में किसान नेता राकेश टिकैत भी नीरज चोपड़ा के घर उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत ने नीरज की सफलता पर उनके परिवार को सम्मानित किया। राकेश टिकैत ने कहा कि नीरज ने देश का गौरव बढ़ाया, इसलिए वो उसके परिवार गांव को बधाई देने पहुंचे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस वो अपने गांव में मनाएंगे और जो खिलाड़ी पदक जीत कर आए हैं उनका सम्मान करेंगे। दिल्ली में कोई प्रोग्राम करने से उन्हें इनकार कर दिया गया है। तो दिल्ली में कोई प्रोग्राम हो, इस पर उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है। उन्होंने जिक्र किया कि मैं अपने गांव में ही रहकर यह दिवस जो है वो मनाऊंगा। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पानीपत जो है वो पहुंचे हैं, नीरज चोपड़ा के घर पहुंचे हैं। पूरे गांव वालों को, परिवार वालों को उन्होंने सम्मानित किया है। आए भाई, इसने बधाई का काम करा, देश के लिए खेला, देश के लिए पदक जीत कर आया है और इसको बधाई देंगे, इसके परिवार को देंगे, पूरे गांव को देंगे, पूरे पानीपत को देंगे। तो सबका धन्यवाद है कि देश के लिए जो बच्चे खेल का आए हैं और बच्चों को सीख लेनी उससे चाहिए। और जब वो यहाँ पे जिस दिन आए तो सबको ढोल ढगाड़ों के साथ में उसका स्वागत करना चाहिए, जिससे दूसरे बच्चों को भी ये लगे कि जब मैं भी जीत का आऊँगा तो मेरा भी ऐसे ही स्वागत होगा। मैसेज ये है कि गांव का खिलाड़ी अगर उसको ट्रेनिंग थोड़ी सी ठीक मिल जाए तो ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकता है। खेल में सिफारिश ना हो और खेल के बच्चों को पूरा सामान उपलब्ध करवा दें, उनको ट्रेनर ठीक मिल जाए तो देश में स्वर्ण पदक और पदक बहुत जीत के आ सकते हैं और गांव के लोगों को प्रोत्साहन दें तो बहुत वो जीत का आ सकते हैं। 15 अगस्त का तो गांव में रहेगा, अपने गांव में झंडा फहराएंगे और जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत कर जाए भाई यहाँ तो उसका भी सम्मान होगा। और 15 अगस्त को दिल्ली में तो नहीं कोई प्रोग्राम है, गांव-गांव का आगे अपने ट्रैक्टर पे, अपनी गाड़ी पे तिरंगा लगाओ और अपना यात्रा निकाल लो, हम भी उत्तराखंड में रहेंगे। अगर अब ये है कि 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में है तो यहाँ के लोग भी उस पंचायत में शरीक हों, आए और बगैर हरियाणा के पंचायत अधूरी रहेगी। हरियाणा, पंजाब सब लोग को वहां पाना चाहिए। तो सुना आपने, यहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र किया है कि मैं नीरज चोपड़ा को बधाई देने के लिए यहां पर पहुंचा हूं, उनके परिवार को बधाई देने के लिए पहुंचा हूं, पूरे पानीपत को बधाई देने के लिए पहुंचा हूं।